हाय गाइस, हियर इज शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 13। आज हम क्लास सेलेक्टर के बारे में देखते हैं, क्लास से हम सेलेक्टर कैसे बना सकते हैं इन जे क्यूरी। तो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एस से फाइल सेव करते हैं, लेकिन रूट डायरेक्टरी में जो हमारी है, आपको पता है कि जे क्यूरी के नाम से मैंने एच टी डॉक्स में जो जैम फोल्डर के अंदर है मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। एंड मैं सब जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो उसी के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, रख रहा हूँ जितनी भी फाइल्स मेरी हैं HTML की। ठीक है, तो हम क्लास सेलेक्टर डॉट HTML के नाम से फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। मेक श्योर हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं एंड jQuery लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो हमें अटैच ज़रूर करवानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास jQuery की लाइब्रेरी है शेक्जी के नाम से। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप रीनेम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में शायद मैंने jQuery ही लिखा हुआ था, तो फिलहाल मैंने शेक्जी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एंड आपको पता है कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस के नाम से मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है जावा स्क्रिप्ट की, जो मैंने अटैच की हुई है अपने अपनी जो हम करंटली वर्क कर रहे हैं क्लास सेलेक्टर की फाइल में। HTML की फाइल है हमारी, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास सेलेक्टर है हमारा, आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम आईडी जो है वो कैसे बनाते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने शायद ये भी देखा कि हम एलिमेंट से हम सेलेक्टर कैसे बनाते हैं। तो आज जो है आईडी हमारी जो है यूनिकली होती है हमेशा, तो एक से ज़्यादा हम आईडीज यूज़ नहीं कर सकते। एक एलिमेंट की शायद एक ही आईडी आप मोर देन वन रख सकते हैं, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसी वजह से एक ही यूज़ होती है। तो हम एक पैराग्राफ बनाते हैं एंड उस पैराग्राफ में लगते हैं हेयर इज शहजाद अहमद फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी। ओके, एंड हम क्लास देते हैं उसे फॉर इंस्टेंस सेंथ के नाम से। ओके, सेंथ के नाम से हम क्लास देते हैं। हम वापस जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, मेक श्योर हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो भी है हम एक्सटर्नल फाइल में ही कर रहे हैं अपनी कोडिंग। ठीक है, हमने सिंध के नाम से क्लास बनाई हुई है, एंड मेक श्योर आप क्लास जब कॉल करवाएंगे तो वो डॉट से करवाएंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो हम आईडी कॉल करवा रहे थे वो हैश से करवा रहे थे, लेकिन इस बार क्लास है तो डॉट से, क्लास हमेशा डॉट से कॉल आप करवाएंगे। उसके बाद क्लास का नाम जो भी है, मैं इन दिस केस मैंने सिंध रखा हुआ था। जैसे ही सिंध पे क्लिक हो तो फंक्शन चले एंड अलर्ट करवा दे। ओके, तो हम बार बार अलर्ट इसी वजह से करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत बेसिक चल रही है फिलहाल, सेलेक्टर्स चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डीपली जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डीपली जाते जाएंगे और हमें लगेगा कि हमें ये एग्जांपल्स यूज़ नहीं करनी, तो हम एडवांस में जाएंगे और उस टाइम हम अलर्ट को यूज़ नहीं करेंगे। डोंट वरी, घबराने की बात नहीं, आप भी बोर हो गए होंगे कि मैं अलर्ट यूज़ कर रहा हूँ शुरू से अभी तक, तो कोई बात नहीं। हम सिर्फ लिखते हैं कि वर्किंग वर्क कर रहा है हमारा। हम जाते हैं लोकल होस्ट, आपको पता है कि मेरे पास लोकल होस्ट सी ड्राइव में रखा हुआ है लोकल होस्ट फोल्डर, उसके अंदर एच टी डॉक्स है एंड एच टी डॉक्स के अंदर मैंने जे क्यूरी का फोल्डर रखा हुआ है। तो एक्सेस करने के लिए जे क्यूरी हमने अभी अभी एक फाइल बनाया था शायद क्लास सेलेक्टर के नाम से, ये सामने रखा हुआ है आपका, क्लिक करेंगे आप। हमारे पास एक पैराग्राफ है, जैसे ही हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो वर्किंग लिखा हुआ आता है, लाजमी नहीं है कि आप अलर्ट ही करवाएं। आप वापस जैसे ही क्लिक हो तो हम सेम क्लास चूज करेंगे सेन, एंड उसे हम CSS दे देते हैं। CSS का ये फंक्शन है, पिछले लेक्चर में शायद मैं डिफाइन करना भूल गया, लेकिन CSS का फंक्शन है जो jQuery प्रोवाइड कर रहा है। दो पैरामीटर हम पास करवाते हैं, फर्स्ट जो भी हमारी प्रॉपर्टी है हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इन दिस केस फॉर इंस्टेंस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारी प्रॉपर्टी है एंड हमेशा की तरह ऑलिव मेरा फेवरेट कलर है। प्रॉपर्टी जो भी होगी
जैसे बॉर्डर है तो फिर बॉर्डर की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, इन दिस केस बैकग्राउंड कलर है उसकी वैल्यू। अगर सिर्फ आप कलर रखना चाहते हैं तो कलर लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये सीसीस के बारे में है। अगर आपको सीसीस के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो सीएसएस सीरीज की है आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड कलर हमारा ऑलिव हो चुका है, जो मेरा बहुत फेवरेट है। ओके, हम जैसे ही कॉपी करते जाएंगे, हमने 3 पैराग्राफ और बनाए हुए हैं। आप किसी भी एक पे क्लिक करेंगे लेकिन इफेक्ट चारों पे आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है क्योंकि वो सबको कंसीडर कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप दिस, तो वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर देगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर समझा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम सेलेक्टर बना रहे हैं क्लास का, जो डॉट से कॉल होगा। डॉट सिन के नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, एंड जब क्लिक हो, क्लिक हमारा हैंडलर है, क्लिक हो तो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है हमारा, कि जिस पे क्लिक हो, सिर्फ जिस पे क्लिक हो उसी का बैकग्राउंड कलर। सीसीएस के नाम से हमारे पास जेक्यूरी का मेथड बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ऑलिव करे। ठीक है, इन दिस केस आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ऑलिव हो रहा है। अगर हम सिर्फ कलर ऑलिव करना चाहें तो कलर भी ऑलिव होगा। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो ऑरेंज कर देते हैं, ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा आपको कि ऑरेंज आपका हो रहा है, या येलो कर देते हैं। तो आप क्लास के ज़रिए ऐसे चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, या आप शायद बॉर्डर है, बॉर्डर डैश्ड, ओह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप सीएसएस का जो मेथड बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, जो हमें जेक्यूरी प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू देंगे एंड जो भी वट एवर आप देना चाहें। तो ये था हमारा क्लास सेलेक्टर के बारे में। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।